दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ मिठाई का डब्बा बनाने के बिजनेस आप लोग कैसे कर सकते हैं और इस बिजनेस से कैसे आप लोग अच्छी कमाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बारे में बताने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी मेरे सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं मिठाई के डब्बे बनाने के बिजनेस के बारे में। आप गांव में रहते हैं या छोटे शहर में या किसी बड़े शहर में आप रहते हो तो मिठाई सभी को पसंद होती है। मिठाई हम सभी की जरूरत होती है, चाहे कोई पार्टी हो या फंक्शन हो, मिठाई के बिना काम नहीं चलता। और मिठाई को ले जाने के लिए हमें डिब्बे की जरूरत पड़ती है, मतलब जितनी मिठाई बिकती है उतनी ही डिब्बे की जरूरत भी होती है। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो आप लोग मिठाई के डब्बे बनाने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यह आपके लिए एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस साबित हो सकता है। फ्रेंड्स, चलिए अब मैं आपको बताऊंगी इस बिजनेस को शुरू करने के लिए मार्केट सर्वे कैसा होना चाहिए। जब भी आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको मार्केट सर्वे करना बेहद जरूरी होता है। आप जिस चीज का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं उसकी मार्केट में कितनी डिमांड है, यह मार्केट सर्वे से ही आपको पता चलता है। आपके बिजनेस शुरू करने से पहले भी यह डब्बे मार्केट में कोई ना कोई सप्लायर कर रहा होगा। आप सारी कैलकुलेशन करके आप जो डब्बा बनाने जा रहे हैं उसकी कॉस्टिंग कितनी पड़ रही है, आपको मार्केट में सेल करने के बाद कितना मुनाफा मिलेगा, मार्केट में जो डब्बा पहले से आ रहा है उसकी क्वालिटी और आपके डब्बे की क्वालिटी की तुलना करें, आप मार्केट में पहले से सप्लायर से बेहतर सुविधा कैसे दे सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में आपको सोचना होगा। मार्केट में घूमें, मार्केट की बारीकियों का अध्ययन करें, सोचें समझें, इन सभी के पीछे टाइम दें, तभी कोई आप फैसला ले सकते हैं। किसी भी बिजनेस को शुरू करने में जल्दबाजी ना करें, पहले अच्छी तरह से मार्केट सर्वे करें, उसके बाद कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको मार्केट के आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी मार्केट में इस बिजनेस का स्कोप क्या है। बिजनेस का स्कोप मार्केट में बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे जीवन में मिठाई की खपत बहुत ज्यादा होती है। कभी कभी तो खपत के अनुसार मार्केट में मिठाई नहीं मिल पाती, तो आप समझ सकते हैं कि इस बिजनेस को शुरू करना आपके लिए कितना लाभदायक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि मिठाई बिना डब्बे की नहीं बिक सकती है। इसीलिए जितनी मिठाई की मांग उतनी ही डब्बे की मांग भी मार्केट में होती है, तो आप यह बिजनेस शुरू करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताऊंगी मिठाई का डब्बा बनाने के लिए हमें कौन से रॉ मटेरियल्स की जरूरत होगी। मिठाई का डब्बा बनाने के लिए रॉ मटेरियल के रूप में हमें गत्ते की जरूरत पड़ती है। हमारे आसपास यह गत्ता आसानी से उपलब्ध होता है, उसकी कीमत मार्केट में 20 किलो से 30 किलो में मिल जाता है। इसके लिए कई तरह का गत्ता इस्तेमाल में लाया जाता है, इसकी जरूरत के हिसाब से गत्ते की मोटाई का चुनाव करते हैं। कुल मिलाकर यह भी कहा जा सकता है कि इसकी कीमत गत्ते की क्वालिटी पर निर्भर करता है। फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी मिठाई का डब्बा बनाने के लिए हमें किस मशीन की आवश्यकता होगी। जिस मशीन से हम मिठाई का डब्बा बनाते हैं उसकी कीमत लगभग 2.5 लाख से 4 लाख तक की होती है। आप इसे उत्पादन की क्षमता के हिसाब से खरीद सकते हैं, इस मशीन को खरीद सकते हैं। यह मशीन 3 किलोवाट बिजली कंज्यूमर देती है, तो आप इसे अपने घर के डोमेस्टिक कनेक्शन से भी चला सकते हैं। इस मशीन में आप डाई चेंज करके बहुत सारे तरह की एवं अलग अलग साइज के डब्बे बना सकते हैं, जो कि मिठाई के लिए, पेस्ट्री के लिए, केक के लिए आदि चीजों के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस बिजनेस के लिए हमें लाइसेंस की क्यों आवश्यकता पड़ती है।
इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कंपनी रजिस्ट्रेशन एवं जीएसटी नंबर की जरूरत पड़ती है। बिना लाइसेंस के आप अपने गांव के यह छोटे शहर के दुकानों को सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बड़े स्केल पर आप यह बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको लाइसेंस की जरूरत होगी। जब भी आप कोई बिजनेस शुरू कर दें, उसके लिए जो भी औपचारिकता होती है आपको पूरा करके ही बिजनेस शुरू करें, नहीं तो बाद में आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी इसमें कितना इन्वेस्टमेंट और हमें कितना प्रॉफिट होता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको जो मशीन खरीदनी पड़ती है उसकी कीमत की होती है। इसमें जो रॉ मटेरियल उपयोग में आता है उसकी कीमत 20 किलोग्राम से लेकर 30 किलोग्राम तक होती है। आप 1 किलोग्राम रॉ मटेरियल में 1 ग्राम का 900 डब्बे बना सकते हैं, 2 ग्राम का 400 डब्बे बना सकते हैं। एक डब्बा बनाने की कीमत करीब 20 से 30 पैसे के बीच में आता है। आप उसे मार्केट में 1 रुपए में बेच सकते हैं। इस तरह से आप 1 घंटे में कम से कम 500 तक कमा सकते हैं। इसी तरह अगर आप 8 घंटे काम करते हैं तो आप दिन में 4000 से 5000 तक कमा सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी इसके लिए हमें कैसी मार्केटिंग की जरूरत होगी। इसकी मार्केटिंग के लिए आप अपने आसपास के मिठाई दुकान में संपर्क कर सकते हैं। आप इसके लिए एक स्टॉक को रख सकते हैं जो 10 से 25 किलोमीटर की दूरी में इस बिजनेस के लिए मार्केटिंग करे। इसके अलावा आप मिठाई का डब्बा होलसेलर से संपर्क कर उसे बेच सकते हैं। अगर आप ज्यादा मात्रा में ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप इंडिया मार्ट, ट्रेड मार्ट, जस्ट डायल कंपनी में रजिस्टर करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई ये बिजनेस इन्फॉर्मेशन कैसे लगी प्लीज अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताएं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। माई